दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज इस समय की एक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ, रूस और यूक्रेन जंग को लेकर। रूस की सेना तेजी से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर रही है। यह हमले का चौथा दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि जल्द ही रूस राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका ने यूक्रेन छोड़ने का प्रपोजल किया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया और कहा कि वे रूस के खिलाफ डटे रहेंगे। एक अमेरिकी एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करते हुए दावा किया कि यूक्रेन में काफ़ी हद तक रूस ने कब्जा कर लिया है। यूनाइटेड नेशंस ने पुष्टि की है कि रूस के हमले में यूक्रेन में करीब 240 आम नागरिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ऑपरेशन गंगा चला रहा है। रूस के हमले के बीच कीव में दहशत का माहौल है। यहां से कई बार लड़ाकू विमान गुजर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने न्यूक्लियर कचरे पर हमला कर दिया है। यूक्रेन ने कीव के लोगों से कहा है कि वे घर से बाहर न निकलें, लोग खिड़कियों से भी दूर रहें। वहीं यूनाइटेड नेशंस ने पुष्टि की है कि यूक्रेन में रूस के हमले में करीब 240 आम नागरिक मारे गए हैं। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। रूस ने कीव के तेल डिपो पर मिसाइल से हमला किया है। इसके बाद शहर में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। यूक्रेन ने चेतावनी जारी की है कि लोग घरों से न निकलें। वहीं यूक्रेन ने सपोर्ट के लिए पश्चिमी देशों का आभार जताया है। यूक्रेन में रूस की सेना के हमले जारी हैं। यूक्रेन का कहना है कि ओक्टेरिका में एक बच्ची समेत 6 लोगों की मौत हो गई। बुडापेस्ट से 240 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंच गया है। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 709 लोगों को यूक्रेन से निकाला जा चुका है। अमेरिका ने रूस पर कई पाबंदियां लगा दी हैं। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रॉपर्टी फ्रीज करने का भी ऐलान किया है। इसके बाद पुतिन ने पलटवार किया और कहा कि वह भी विदेशी कंपनियों की प्रॉपर्टी फ्रीज कर देंगे। वहीं रूसी विदेश मंत्री ने कहा है कि वह यूक्रेन के साथ समझौते की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन से लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। यूक्रेन से करीब 1,20,000 लोग पोलैंड, मोल्दोवा और अन्य पड़ोसी मुल्कों में जा चुके हैं। यूट्यूब ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। यूट्यूब ने रूसी चैनलों के यूट्यूब पर आने वाले एडवर्टाइजमेंट से मिलने वाला पैसा देना बंद कर दिया है। एक तरफ रूस आक्रमण कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उसने 3,500 रूसी सैनिकों, 14 विमानों और 8 हेलीकॉप्टरों को ढेर कर दिया है। यूक्रेन ने विमान गिराने की तस्वीरें भी जारी की है। रात में यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध और भी भीषण हो गया था। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर कई प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इन प्रतिबंधों का एकमात्र ऑप्शन थर्ड वर्ल्ड वार है। एक इंटरव्यू में बाइडन ने कहा कि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, दूसरा ऑप्शन यह है कि जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन ना करे उसको कीमत चुकानी पड़े। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना ने खारकीव की गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रूस की मिसाइल से कीव के साउथ वेस्ट का एक ऑयल टर्मिनल ध्वस्त हो गया है। शहर के मेयर ने इसका वीडियो शेयर किया है। खारकीव रूस की सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और रूसी सैनिक खारकीव में घुस गए हैं। इससे पहले तक वे शहर के बाहरी इलाके में थे और उन्होंने शहर में घुसने की कोशिश नहीं की थी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में रूसी वाहन खारकीव में चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक वाहन सड़क पर जलता दिख रहा है। अमेरिका की एक निजी कंपनी ने सैटेलाइट तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया है कि यूक्रेन में काफ़ी हद तक रूस का कब्जा हो गया है। तस्वीरें शेयर करते हुए एजेंसी का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के नोवाखोवका में नीपर नदी के पास स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास अपनी सेना को जमा किया है। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। GKSSB, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं।
पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9906187157, 0191258-3256। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।